हमारे चैनल टिकटल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस को दबाएं और लेटेस्ट टेक वीडियोस सबसे पहले टिकटल पे देखिए। हाय फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप उनको आपके गूगल प्ले कंसोल में लॉगिन कर लेना है। इसे खुलने दीजिए। जो भी आपका ऐप है, जिसका भी अपडेट आपको सबमिट करना है, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं टिकटल का ऐप है ऑफिशियल, उस पर उसका अपडेट सबमिट करूँ तो उस पर क्लिक कर दूँगा मैं। इसे लोड होने दीजिएगा पूरा। जैसे ही हो जाए तो आप रिलीज़ मैनेजमेंट में जाइएगा और वहाँ पे ऐप रिलीज़ करके होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे राइट साइड में मैनेज प्रोडक्शन पे क्लिक करिएगा और वहीं पे क्रिएट रिलीज़ पे क्लिक करिएगा। फिर आपके पास एक फ़ाइल को ब्राउज करने का ऑप्शन आएगा, ये देखिए आ गया। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है और उस फाइल का लिंक दे देना है अपने जो भी फ़ोन में है या कंप्यूटर में है, तो वहाँ से लिंक दे दीजिएगा। जो भी आपका APK है, जो आपको सबमिट करना है, उसका लिंक दे देंगे आप, तो उस APK को अपलोड होने दीजिएगा 100% तक। उसके बाद में ही वो ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ वो अपीयर होंगे। तो सेव बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा जब 100% हो जाएगा। उसके बाद पे उस पर रिव्यू पर क्लिक करिएगा। फिर एक ऑप्शन आएगा, जब आप ये कर लेंगे तो स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन का ऑप्शन आएगा, फिर आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर आप जब ऐसे कर देंगे तो अराउंड 1 घंटा या 2 घंटे के बाद में आपका ऐप अपलोड हो जाएगा गूगल के प्ले स्टोर पे, जब गूगल की टीम इसे अप्रूव कर देगी। तो यही तरीका है कि कैसे आप अपना ऐप रीपब्लिश कर सकते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर पर, उसे अपडेट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए और लाते रहेंगे आने वाले फ्यूचर में। तो आज के वीडियो में इतना ही कि कैसे अपने ऐप को रिपब्लिश कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे और भी बेहतरीन नॉलेज के साथ। चलिए, बाय बाय।